The probabilities of these events ABC, PA पता है, PB पता है, PC पता है, union, intersection, intersection और ये. और आपको बोला गया अल्फा जो है यानी तीनों का यूनियन वो 0.85 से 0.95 के बीच में लाया कर रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन क्या होगा. इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी किस रेंज इंटरवल में होगी. ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको अल्फा बोल दे रहे हैं, दैट इज पी ए यानी 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.5 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन सी 0.3, बी इंटरसेक्शन सी बीटा और ए इंटरसेक्शन बी के लिए इसको यूज करेंगे. देखो 0.8 इक्वल्स टू 0.6 प्लस 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया यहाँ पे 0.2 आ गया क्या, तो 0.2 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए प्लस तीनों का इंटरसेक्शन दैट इज 0.2. ये सिंप्लीफाई कर लो, देखो 0.2 कैंसल, ये बन गया 1.5 माइनस 0.3 1.2 माइनस अल्फा इज बीटा. बस अब देखो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू है 0.95, तो 1.2 माइनस 0.95 दैट इज 0.25, ये बीटा की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. और बीटा की मैक्सिमम वैल्यू जब अल्फा कितना हो आपके पास 0.85 दैट इज 0.35, तो बीटा मैक्स विल बी 0.35 0.25 से लेके 0.35 यानी ऑप्शन